भैया कितने की स्पीड पे ले जाओगे? स्पीड यहाँ नहीं चलेगी ज्यादा सर, यहाँ चढ़ाई है, हाइट है। हेलो बॉन्जूर ओला नमस्ते वेलकम बैक टू माय चैनल नोमैडिक मानव। होप यू गाइस आर डूइंग एब्सोल्युटली वेल। सो आज का व्लॉग डे टू इन मनाली, तो हम जा रहे हैं सोलांग वैली। तो आज हमारे साथ है रवि भाई। आप मनाली से ही हो? यहीं से। ओके, लोकल है। लोकल है तो वो हमें ले जाएंगे। एक्चुअली हमारा प्लान था सुबह निकलने का एट 8 o'clock, 9 o'clock, बट कल रात को हम क्या बोलते हैं, ज़्यादा ही थक गए क्योंकि हमारा पहला दिन मनाली में था और 30 kilometers चल के आ गए। तो अभी टाइम हो चुका है 12:30 दोपहर के, देखते हैं उधर क्या क्या कर सकते हैं। पैराग्लाइडिंग भी है। हम कल वीडियो देख रहे थे यूट्यूब पर, तो उसमें वो लोग वो बता रहे थे कि इसमें दो ऑप्शन, एक सस्ता वाला है पैराग्लाइडिंग जो नीचे से होता है, लो पैराग्लाइडिंग, और एक होता है आपको हाई फ्लाइंग, रोप वे से ऊपर जाओ और ऊपर जाने के बाद आपको डायरेक्ट ऊपर से पैराग्लाइडिंग नीचे तक होता है। उसका है कुछ 3200 ना, अराउंड 3200 का, 3200 था, लो फ्लाइंग का 1000 था, उसमें रोप वे नहीं आता। और रोप वे का भी खाली जो चार्ज है वो था अराउंड लाइक 650 ना, 650 भैया जितना आप उसमें दे रहे हैं ना। हाँ, वहाँ क्यों कर रहे हैं आप फिर पैराग्लाइडिंग? उससे अच्छा तो फिर डोबी चलिए जहाँ पर वायरल वीडियो भी होता, वो तो बच्चे वाली है ऊपर वाली। वो अच्छा डोबी भाई, यहाँ से जब आपका कुल्लू नगर होता ना भैया उसमें आता वो, वो यहाँ से सोचो आप 20 kilometers 20 kilometers। तो जैसे कल हम लोग कसोल के लिए निकल रहे हैं तो वो जाएगा, रास्ते में पड़ जाएगा, रास्ते में पड़ जाएगा भैया। सेम ही रेट होता है उधर? सेम भैया, अगर कोई लोकल होगा ना आपके साथ वो तो कम करवा के देगा आपको, कोई टेंशन नहीं। अगर मैं आता हूँ, मेरे साथ होता तो मैं आपको कम से कम जितना हो सके ना, 32 से कम जितना हो मैं 25 तक करवा सकता आपकी हाई फ्लाई। इधर से अपना कसोल जाते हैं तो कितना चार्ज लगता है लाइक टैक्सी में? अच्छा टैक्सी का भैया मैं ना जितना भी किसी को भी ले जाता हूँ मैं अल्टो वाले रेट में, अगर जाना आपने 2500 वैसे ना 2200 तक, 2000 तक कोई चक्कर नहीं। और बीच में पैराग्लाइडिंग भी हो जाएगा? पैराग्लाइडिंग भी हो जाएगा, मैं कम से कम करवाऊंगा। 3200 टूरिज्म रेट है। हाँ, अगर आपके साथ कोई लोकल होता है लड़का जान पहचान का, मैं कम से कम करवा के दूंगा ये। और वही हाई फ्लाई, ऐसा नहीं कि कोई और चीज करवाऊंगा, लंबा वाला हाई फ्लाई, डोबी वाला जो फेमस है यहाँ पर हिमाचल में, सेकंड नंबर पर है वो जो वायरल वीडियो हुआ था वो भाई उतना डरने का फेमस होने के लिए किया बंदे ने। जैसे हमारी गाड़ी जहाँ पर रुकेगी ना वहाँ से 17 kilometers अपनी गाड़ी से ले जाते हैं वो ऊपर। अच्छा, और वो उसमें 25 में इंक्लूड होता वो। अच्छा, एक्स्ट्रा चार्ज वार्ज नहीं कुछ नहीं। हाँ, अगर कोई अगर और जाता आपके साथ वो तो उसका भी लेगा, मैं बोल रहा ना मैं कर बात करूँगा। और इधर अपन ड्रोन वोन उड़ा सकते हैं कल अपने सोलांग वैली में? सोलांग में हाँ उड़ा सकते, ड्रोन तो है लेकिन उसका अभी हमने एक जुगाड़ किया है, उसका जो विंग टूट गया था एक फेविक्विक लगा के चिपकाया है, अभी देखना है कि उड़ेगा नहीं उड़ेगा, तो एक बार टेस्ट करना पड़ेगा। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, बॉयज एंड गर्ल्स, अपडेट फ्रॉम द रोड टू सोलांग वैली। ट्रैफिक लग चुका है ये आप देख सकते हो नीचे और ऊपर, आधा घंटा एक घंटा तो लगेगा ही पहुँचने में, इतना तो लगेगा। और अभी थोड़ी हल्की हल्की बारिश हो रही है, जब स्नोफॉल होगा तो जितने भी बंदे ऊपर को जा रहे हैं तो फटाफट वो निकलते हैं क्योंकि वहाँ पर फंसने का डर होता बहुत ज़्यादा। तो थोड़ा सा भी अगर बर्फ होता तो गाड़ी इतना स्लिप होता ना तो बहुत दिक्कत होता है, तो बाहर के जो बंदे होते थोड़ा उनको दिक्कत रहता, लोकल तभी भी वो लोग चला लेंगे, थोड़ा सा पता होता उनको कि भाई कैसा चलाना है। हाँ, और ब्रेक तो मारना नहीं होता उसमें, अगर गाड़ी मतलब बर्फ के ऊपर अगर आप ब्रेक मारते हो तो वो तो फिर स्लिप होती है। हाँ, यहाँ ये देखो ना यहाँ पर हो रही है स्नोफॉल, ओहो जहाँ पर धुंध पड़ी है ना यहाँ पर तो स्नोफॉल हो रही है, स्नोफॉल हो रही है, हो रही है। मेरे हिसाब से सोलांग वैली में स्नोफॉल हो जाए और वापस जब हम लोग आए नीचे तो मनाली में भी ऑलमोस्ट हो जाए तो मजा भी आ जाए, थोड़ा डबल मजा आएगा। अगर इंडियन खाना खाना है तो बीच में जब आप वापस जाएंगे ना मैं बता दूंगा आपको, जहाँ से ओल्ड मनाली के लिए जाता है ना शांति ढाबा करके आए वहाँ पर भैया बिल्कुल अच्छे में मिलता है। हमने कल खाया था इधर अपना क्या बोलते हैं पंजाबी तड़का, वैष्णो ढाबा है ना जो, वैष्णो ढाबा। हाँ ठीक है। अभी मैंने पैसे निकाल लिए हैं और अभी कार्तिक गया है एटीएम में पैसे निकालने के लिए, ट्रैफिक जाम लगा हुआ है तो हमने थोड़ा एडवांटेज उठा लिया इसका। बाहर क्या सही सीन है, तो अभी थोड़ा थोड़ा क्या हो रहा है बारिश और बर्फ साथ में गिर रही है, पहले खाएंगे कुछ ढाबे में जाके तब तक शायद स्नोफॉल पड़नी शुरू हो जाए। तो अभी हम बर्फ में ट्रैकिंग करते हुए
जूते खरीद लिए। आंटी बोल रही थी हमें 100 रुपए एक जूते का, बट हमने बोला हमने यूट्यूब पे भाई वीडियो देखा है और अगर आपने ही 50 रुपए में दिया है तो हम भी 50 रुपए में ही लेंगे, तो उन्होंने दे दिया। आसमान की ऊंचाई में चारों तरफ कोहरा ही कोहरा। जैसे हमने पिछले व्लॉग में आपको बोला था मनाली में आए और मैगी और मोमोज ना खाए, तो मोमोज तो आप लोगों ने खा लिए थे, अब मैगी की बारी है। आंटी आपका नाम क्या है? मेरा नाम गीता है। गीता और किस लिए? ये है माइक, आवाज एकदम क्लियर आती है। वेलकम टू मनाली। तो अगर सोलांग वैली में आते हो गीता आंटी के उधर आओ, मैगी खाओ, नेक्स्ट टाइम जब आएंगे तो यहीं पे खाओ, यहीं पे मिलेंगे। सबसे बेस्ट आंटी है दिल्ली में टॉम अंकल, और यहाँ पे आंटी और सर नेम गीता आंटी। गीता आंटी भाई साहब आपका नाम क्या है? मेरा नाम है देवराज ठाकुर। और आप इधर से ही हो मनाली से? मैं मनाली से हूँ, पलचान से, और मैं ATV चलाता हूँ। तो अभी हमने एक पैकेज लिया है जिसमें आपको ये एक्सप्लेन करेंगे क्या क्या इंक्लूडेड होगा। इंक्लूडिंग आपका ATV रहेगा, आने जाने के लिए अभी बेटिंग रहेगा, और स्कीडो राइड रहेगा, और ये ट्यूब स्लाइडिंग रहेगा आपका। तो ये तीन चार चीज़ है, नॉर्मली 2500 रेट है। आजकल है ठंड का मौसम, इसीलिए हमने रेट इसलिए बढ़ाया, क्योंकि हमें वेट भी करना है, चलाती बार मुश्किल भी होता है, पेट्रोल के लिए भी प्रॉब्लम होती है, तो इसलिए थोड़ा कॉस्टली रहेगा। बस तो हमने वही बोला कि इधर से हम निकलेंगे ATV राइड लेंगे, उधर पहुंचते ही स्कीडो राइड, वो काफ़ी लंबा राइड रहेगा, ऐसा नहीं कि मतलब वो शॉर्ट राइड करवाएगा, सीधा काफ़ी लंबा राइड, फिर उसके बाद ट्यूब स्लाइडिंग, फिर ATV सेल्फ ड्राइव दोनों को मिलेगा, स्नो में चलने वाला 4x4 ATV। उधर हम थोड़ा सिनेमैटिक बी रोल भी निकाल लेंगे अपने कैमरा निकाल के। बाकी स्नो में हम जनरली यूज़ करने वाले हैं अपना GoPro और Insta360 कैमरा। पता है मुझे सोनी A7 III की वाटर प्रूफ तो नहीं है, लेकिन वाटर रेजिस्टेंट है तो इतना चल जाएगा। बट दिस इज द सेकेंड टाइम इन लाइफ व्हेन स्नो इज इन फ्रंट ऑफ मी एंड आई एम इन फ्रंट ऑफ द कैमरा। कहाँ ले आया मैं? पहुँच गए हम सोलांग वैली। तो अभी सीन ये है हमारा व्हीकल। भैया कितने की स्पीड पे ले जाओगे? हाँ जी, कितने की स्पीड पे जाएगी? स्पीड यहाँ नहीं चलेगी ज्यादा सर, यहाँ चढ़ाई है, हाइट है, यहाँ जाती है 30-40 की जाती है। 30-40 ये देखो, इसके लिए एकदम हार्ड हार्ड होगा ना, फिर लपक जाता है ये, तो बिल्कुल स्लैश है, ग्रिपिंग नहीं पकड़ता। जितना ये स्पीड जा रहा है उतना ही जाएगा। तो भैया अभी हम दूसरे एक्टिविटी पे आ गए, अगर हम ट्यूब स्लाइड कर दे, ट्यूब स्लाइड आप देख सकते हो। वेलकम टू देसी स्विट्जरलैंड ऑफ इंडिया, सस्ते में ट्रिप निपटाओ, यूरोप के मजे इधर ही उठाओ। हमने पूरा किया और स्नोफॉल अभी फुल ऑन बढ़ चुका है, तो गाड़ियाँ वाड़ियाँ ट्रैफिक भी अभी आगे फुल ऑन होगा। सबसे बेस्ट सीज़न जो रहता है मनाली आने का वो विंटर ही रहता है, वो यही स्नोफॉल है, मस्त है और सस्ते में सब निपट जाता है काम। तो सीज़न में तो बहुत महंगा होता होगा ये, हा? सीज़न में बहुत कॉस्टली रहता है, मई जून के करीब। हाँ, और आजकल जो है जनवरी का महीना है, और अच्छी किस्मत है आपकी जो कि स्नोफॉल भी देखी, एक्टिविटी भी हो गई, लेकिन इसका थोड़ा कॉस्टली है, 1500 रुपीज़, बाकी 500 इच स्कीडो राइड और ट्यूब स्लाइडिंग, बाकी हो गया 2000 में। और थैंक यू भाई राइड के लिए, मज़ा आ गया। ओके बाय बाय, मिलते हैं फिर।
गर्ल्स, अभी सीन ये है, हम गाड़ी में बैठ चुके हैं वापस और जा रहे हैं टू द सिटी. लेकिन पंगा ये है, स्नोफॉल अभी बंद हो नहीं रही और जो बाहर की गाड़ियां है उनका भाई साहब ये बताएंगे. वैसे चला तो अच्छे से ले लेते हैं, पर जब स्नो होता ना थोड़ा दिक्कत रहता है. वो जैसे चलने लगती गाड़ियाँ तो वो एकदम से ब्रेक मारते, फिर वो स्किट होके थोड़ा आगे वाली गाड़ी को कुछ कुछ ना कुछ हो ही जाता है. तो जनरली जो लोकल बंदे रहते हैं वो इधर टायर में हवा कम कर लेते हैं गाड़ियों में, तो वो स्नो पे मतलब स्किड कम हो जाए और ट्रैक्शन बढ़ जाए. तो अभी पता नहीं ट्रैफिक कितने बजे तक रहेगा. अभी बज गए 6 और अभी हम ट्रैफिक में अटके हुए हैं और ऑलमोस्ट 45 मिनट से. 3 hours later. A quick update. हम निकले थे 5 बजे फ्रॉम सोलांग वैली और अभी टाइम हो चुका है 9 o'clock इन द इवनिंग. 3 या 4 किलोमीटर हमने कवर किया है और अभी भी हम ट्रैफिक जाम में स्टक है. गाड़ियाँ भी ऐसे चल रही है कि क्या बोला है, जिसकी 4x4 व्हीकल नहीं है ना वो मतलब स्लोप पे जा रही है और जैसे ही थोड़ा ब्रेक मारा तो स्लाइड हो रही है. तो बहुत धीरे धीरे से चल रही है गाड़ी. A few inches later. अपडेट फ्रॉम द ट्रैफिक, आगे जो गाड़ी है फंस चुकी है. आई डोंट नो आप देख सकते हो या नहीं, ये जो इनोवा है इसके ऊपर गिरी है ऊपर से बर्फ और वो घुस चुकी है साइड पे. तो लोग बाग कोशिश कर रहे हैं धक्का मारने का और वो रिवर्स कर रहे हैं और जो हमारे ड्राइवर साहब है वो उनकी मदद करना चाहते हैं तो हेल्प करने गए. बाकी हमने बर्फ तो आधी निकाल लिया गाड़ी की और हम 3 घंटे से बैठे हुए गाड़ी में. पूछो मत भाई, पता नहीं अभी तो कितना लगेगा और चल के और जाना है ऊपर होटल तक. हाँ, और खाने को भी यार लगता नहीं कुछ मिलने वाला है. So much later that the old narrator got tired of waiting and they had to hire a new one. Finally, after 6 hours, 5 बजे हम निकले from Solang Valley and अभी हम पहुंच गए हैं to the hotel at 11 o'clock. 16 किलोमीटर और 6 घंटे. ये कुछ था ट्रैफिक एंड स्नोफॉल एक्सपीरियंस ऑफ मनाली. उसके बाद हमने जस्ट रस्ते में से उठाए मोमोज. इट्स एंड ऑफ द डे फॉर अस और अभी भी स्नोफॉल चल रहा है पीछे. सो विद दैट सेड, थैंक यू एवरीवन फॉर वाचिंग दिस वीडियो. इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज हिट द लाइक बटन डाउन देयर, सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड प्लीज डोंट फॉरगेट टू शेयर दिस वीडियो. एज ऑलवेज थैंक यू, मेसी ग्रासियास, धन्यवाद. कैच यू सून विद दैट अनदर एक्साइटिंग ब्लॉग. टिल दैट टाइम बाय बाय.